नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम को जमानत या जेल, आज सीबीआई कोर्ट सुनाएगा फैसला। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लिए आज अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम के मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई अदालत में आज तय होगा कि सीबीआई रिमांड खत्म होने पर उनकी न्यायिक हिरासत के लिए वो जेल भेजा जाएगा या फिर उन्हें जमानत दी जाएगी। चिदम्बरम के मामले में अंतरिम जमानत याचिका मांगी गई थी। सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद उनकी सीबीआई रिमांड भी एक दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कानून की नजर हर नागरिक के लिए समान है। उन्होंने दलील दी है कि एजेंसी को इस पर नोटिस भेजा जाना चाहिए, जो कानून जरूरी भी है। न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करने के बाद बोले इमरान खान, कहा हमारी तरफ से किसी तरीके की कोई पहल नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देने के बाद अब अपने सुर बदलने लगे हैं। शायद यही वजह है कि वे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके की कोई पहल नहीं होगी। इमरान खान ने सोमवार को लाहौर के इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन में भाषण के दौरान इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कोसते रहे और बीच में न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करने लगे। इमरान खान ने अपने भाषण में कहा है कि हम दोनों न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा होगा। इससे आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कभी कोई किसी तरीके के पहल नहीं होगी। एनआरसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी ममता बनर्जी की टीएमसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस असम में जारी राष्ट्रीय नागरिक पंजी सूची के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। असम पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है। यह फैसला सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवास पर हुई बैठक में लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि एनआरसी और भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ 7-8 सितंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। टीएमसी के कार्यक्रम का प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो यह बंगाल में एनआरसी की पैरवी करेगी। जंगल राज के बचाव में नीतीश कुमार का बेतुका तर्क, कहा अपराध तो स्वभाव में है, पता नहीं कब किसके साथ क्या होगा। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन बड़े अपराध की खबर सामने आ रही है। अपराधियों के मन में पुलिस और प्रशासन का खौफ खत्म हो रहा है और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बढ़ते अपराध को लेकर के बेतुका बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध तो स्वभाव में है, किसी को रोक नहीं सकते, कौन जानता है कि कब किसके साथ क्या होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो चिंता नहीं करेगा तो बुलंदियां कैसे पाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो व्यक्ति गड़बड़ करेगा उसे हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। गड़बड़ करने वालों को कोर्ट तो सजा देगी ही, उसे भुगतना होगा। यूपी में रायबरेली रेल कारखाने को लेकर के सोनिया गांधी की चिताएं काल्पनिक आकांक्षाओं पर आधारित। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा है कि रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री निगमीकरण को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिताएं भ्रमिक काल्पनिक आकांक्षाओं पर आधारित है। गोयल ने गांधी से आग्रह किया है कि वह नौकरियां जाने के भय के झांसे में न आए। गोयल ने गांधी को पत्र में कांग्रेस नेता पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि वह हैरान है कि वह नए आधुनिक भारत के मंदिरों की स्थापना के कदम पर विरोध कर रही है जिसे यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सोनिया गांधी ने इससे पहले भी दावा किया था कि सरकार चुपके से मॉडर्न कोच फैक्ट्री के निजीकरण का प्रयास कर रही है जो कि उसके संसदीय क्षेत्र रायबरेली में स्थित है। आपको बता दें कि रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री का शिलान्यास साल 2008 के तत्कालीन यूपी अध्यक्ष और रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी ने किया था। इसमें कुल अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 2200 के करीब बताई जा रही है। वहीं अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 5000 है जो प्रतिदिन काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 ने पार की एक और बड़ी बाधा, सफलतापूर्वक पूरी की डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया। लैंडिंग का वक्त करीब आने से पहले चंद्रयान 2 ने एक और बड़ी बाधा पार कर ली है। सोमवार सुबह चंद्रयान ने डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि आज सुबह करीबन 8:50 पहले ही इस तय कार्यक्रम के अनुसार पहले डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसरो ने बताया है कि यह पूरी प्रक्रिया 4 सेकंड में पूरी कर ली है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर का ऑर्बिट 104 किलोमीटर गुना 128 किलोमीटर का है। चंद्रयान का ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा में लगातार चक्कर काटे। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटिंग और लैंड दोनों ही ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 की दूसरी लैंडिंग ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया 4 सितंबर को सुबह 3:30 से लेकर के 4:30 के बीच पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत योगी के बेटे अमित योगी गिरफ्तार, इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देने का मामला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत योगी के बेटे अमित योगी को धोखाधड़ी के मामले में मरवाही सदन ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अजीत योगी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी। विराट कोहली बने टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान, धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 257 रन से हराकर टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया है। दूसरे टेस्ट में मिली जीत विराट कोहली के लिए बेहद खास है क्योंकि वह अपने धोनी को पछाड़ करके टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने गए। पहले टेस्ट में जीत के बाद विराट कोहली ने धोनी का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट कोहली 48 टेस्ट में कप्तानी करते हुए टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली के नाम 48 टेस्ट में 28 जीत दर्ज है। विराट कोहली की कप्तानी टीम इंडिया 10 टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 10 टेस्ट डाल रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी टीम इंडिया की जीत का औसतन 58.33% रहा है।